लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे भारत में 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देश की जनता को बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक किया जा सके। हरियाणा में यह कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। नोटबंदी के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। वजहें तो बहुत हैं, क्योंकि एक भी कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के राज में खुश हो या किसी का काम हुआ हो। लेकिन आज के अगर खास प्रदर्शन की बात करें तो एक पद यात्रा है जो कि बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों से पूरे हरियाणा के हर जिले में निकाली गई है, और यह महंगाई की मार को लेकर पद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं कि आज जनता में त्राही त्राही मची है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जनता की पहुंच में हो। आम जन तो बिल्कुल मारा गया है। ये लोग अगर सोचते हैं तो केवल अपने अमीर दोस्तों की सोचते हैं। आप देखिए कि जो हर चीज़ में आग लगी है रेट्स में, चाहे पेट्रोल डीजल तो महंगे हैं ही, जिसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, चाहे वह दाल सब्जी हो, चाहे राशन हो, चाहे रसोई गैस हो, हर तरह से महंगाई की मार है जनता के ऊपर। आज जनता बहुत बुरी तरह से तंग है और पिसी हुई है, और इसी को वापस लेने के लिए आज ये पद यात्रा हम लोग सब सभी हमारे यहाँ पर बहन कुमारी शैलजा जी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं और सभी कांग्रेस जन आज यहाँ ये पद यात्रा निकाल रहे हैं।